का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी डीए की बकाया रकम। डीए की बकाया रकम पर सरकार ने कर्मचारियों को क्या दिया है जवाब, तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के बकाया महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर की मांग अब तुल पकड़ने लगी है। हाल में ही भारतीय पेंशनभोगी मंच बीएमएस ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि आखिर बकाया रकम यानी एरियर की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, को देने के लिए केंद्र सरकार का क्या कहना है। बीते मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते की बकाया रकम को लेकर जवाब दिया था कि सरकार ने साफ कह दिया था कि बकाए के भुगतान का कोई विचार नहीं है। सरकार का कहना है कि पिछले साल कोरोना की बढ़ती दिक्कतों में ये फैसला लेना जरूरी था। इस फैसले के से केंद्र सरकार ने करीब 34,402 करोड़ रुपये बचा लिए थे। कोरोना की वजह से जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते यानी महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया गया था। इस दौरान कर्मचारियों को 6 माह आधार पर 3 किस्तें 4, 3 और 4% मिलनी थी। तो इसी के दौरान 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए डीए और डीआर दर मूल वेतन या पेंशन पर 17% की दर पर बनी रहेगी। हालांकि सरकार ने इस 3 किस्तों यानी कुल 11% को जोड़कर जुलाई 2021 से देने की शुरुआत कर दी है। अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मूल वेतन पर 28% की दर से डीए यानी डीआर दिया जाएगा। इस फैसले की वजह से वित्त वर्ष 2021 और 22 जुलाई 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक 8 महीनों की अवधि के लिए तय किया गया है। तो इसमें 22,934.56 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी फैसले में केंद्र सरकार ने 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।